राजपीपला नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 की एक सीट को कांग्रेस ने भाजपा के पास से छीन लिया है। कांग्रेस की उम्मीदवार चंद्रिका वसावा ने 1341 वोट हासिल किए तथा भाजपा प्रत्याशी हीनल वसावा को 1196 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार ने 145 वोट से जीत हासिल की। इसे पूर्व चुनाव में वार्ड नंबर 5 में भाजपा की गीता वसावा विजेता बनी थी। इसका आदिवासी प्रमाण पत्र नकली निकलने पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा की सभासद गीता वसावा की सदस्यता रद्द हो गई थी। 29 जनवरी को रिक्त पड़ी एक सीट के लिए उपचुनाव हुआ था। भाजपा ने इस सीट से गीता वसावा की पुत्री हीनल वसावा को टिकट दिया था, जबकि कांग्रेस ने चंद्रिका वसावा को टिकट दिया था। वार्ड नंबर 5 राजपीपला नगर पालिका का सबसे बड़ा वार्ड है। यहाँ पर कुल 4579 मतदाताओं में से 2559 ने वोट दिया था। कुल 55.79% मतदान दर्ज हुआ था। 3 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। केवड़िया में बनने वाले हरियाणा भवन कार्यक्रम के भूमि पूजन के समय विरोध करने और पुलिस पर पत्थरबाजी करने के मामले में नर्मदा जिले के एडिशनल जज ने 3 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। जिन लोगों की याचिका खारिज हुई उसमें नर्मदा जिले कांग्रेस के 2 नेता भी शामिल है। हरियाणा भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम के विरोध के दौरान पुलिस पर किए गए पथराव के मामले में पुलिस ने कांग्रेस के 2 नेताओं सहित अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया था। कांग्रेस के वे नेता व जिला पंचायत स्वास्थ्य समिति के चेयरमैन दिनेश तड़वी व उनके पुत्र रंजीत तड़वी सहित अन्य एक व्यक्ति ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। बुधवार को नर्मदा जिले के एडिशनल सेशंस जज SP तमांगे ने तीनों की अग्रिम याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। तीनों लोगों की धरपकड़ के लिए पुलिस प्रयास कर रही है।